कमिश्नर बाबा साहब, आप लोग यहाँ हमारे थानेदार साहब आए, उनकी चीप यही है ना? भाभी साहब, वो वीर हुकुम तो यहाँ नहीं है। हाँ नहीं है तो फिर मारे को यहाँ किसने बुलाया? मैंने। बुलबुल, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, देखकर अगर तुम्हें कुछ याद आया तो हमें बताओ, हमें बहुत मदद मिलेगी। दिखाना है? मारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ठीक है ना? बुलबुल, हमें श्री गंगानगर से अजमेर आने वाले हाईवे के चेक नाका के सीसीटीवी कैमरा से एक फुटेज मिली है, और उस फुटेज में वीर अपनी जीप से उतरकर भागता हुआ दिखा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। ये देखिए भाभी साहब, सिर्फ यही नहीं भाभी साहब, देखिए हमें जीप में और क्या मिला है। इतने सारे कुकर तो बर्तन की दुकान पे भी ना रहते, लेकिन ये दाल सब्जी वाले कुकर से थानेदार साहब क्या कर रहे थे? यही तो सोचकर मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा एक बात बताओ सोचकर, कि क्या कभी वीर ने घर पर किसी केस के बारे में बात की? ना, थानेदार साहब ने मारे को किसी भी केस के बारे में कुछ भी ना बताया, और वैसे भी वो अपनी काम से जुड़ी बातें हम सबसे ना करते। को अभी भी नहीं समझ आ रहा कि वो इस कुकर से क्या कर रहे थे। कमिश्नर बाबा साहब, ये देखिए ये कुकर तो खराब है, इसे तो रद्दी वाले भाई साहब ही ना लेंगे। इसके 140 रुपए देंगे, उससे 1 रुपए ऊपर ना, वो भी बस इस एल्यूमिनियम के। खराब है भाभी साहब मतलब? हाँ देखिए, प्रेशर निकलने के सारे रास्ते बंद है, यहाँ से भी। ये रबड़ भी तो कटा हुआ है, और इसका कैस्केट भी खराब है। ये बहुत खतरनाक है, जैसे ही गैस पे रखेंगे ना वैसे ही ये फट जाएगा। लेकिन थानेदार से इससे क्या कर रहे थे? ध्रुव, हमारा ध्यान इस बात पर क्यों नहीं गया? बुलबुल, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। कमिश्नर बाबा साहब, मारे को अभी भी कुछ भी समझ ना आ रहा। वीर ने फिर से अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया है, और एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली हम तक पहुंचाई। ब्रावो, मान गए इसे पी वीर, वेरी गुड। सब लोग आओ, और डिक्की में जितने कुकर हैं उनको चेक करो, और उसमें देखो कि उनके लिड में गैस्केट बराबर है कि नहीं। आ जाओ। जी सर।